गुरु जी, जब से दरवाज़ से जुड़ा हूँ, 2022 से जुड़ा हूँ, जब से मौज ही मौज हो रही है। और गुरु जी, बाबा जी से जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, शाम तक वो काम मेरा हो जाता है। तो मैं आके जो घर में मंदिर है वहाँ के उनसे नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। फिर दूसरे दिन मेरे को चुनौती मिल जाती है, फिर मैं वो प्रणाम करता हूँ, शाम तक वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं जब से जुड़ा हूँ मौज ही मौज है। गुरुजी के चरणों में नमन। डीएनए में 4 लोग हैं, मैं आगरा से आया हूं। गुरुजी, खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। देखिए, ये सब आप लोगों के कुछ स्मृतियां थी, जो कष्ट बचे थे वो भी सब नष्ट हुई, स्मृतियां सब जड़ से नष्ट हुई, रोगी स्मृतियां। देखिए क्या क्या आपका और आपके बेटों का, दोनों का इसमें लिखा हुआ है, जो नष्टीकरण हुआ। बाइपोलर डिसऑर्डर था, टेस्टिस में सूजन, एंजाइटी डिसऑर्डर था, कॉन्स्टिपेशन होना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डलाइटिस था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, हाइपरटेंशन होना, हाइपर एक्टिव रहना, साइनस की स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, DMD की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स खराब हो रहे थे, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई कार्य से अरुचि होना, पढ़ाई कार्य करते समय निद्रा आना, आलस्य बने रहना और उच्चाटन की स्मृतियां थी, बोन TB की स्मृतियां थी, किडनी में सड़न हो रही थी, लीवर सिरोसिस था, लीवर में घाव और सड़न हो रही थी, यूरेटर में पस भर रहा था, मेनिनजाइटिस की स्मृतियां थी, दिमागी बुखार की, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, प्रोस्टेट में, लिम्फेटिक सिस्टम में, रक्त में और पैनक्रियास में। ऐसे आंखें खराब हो गई थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, नर्व सूख रही थी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और आंखों में दर्द व चुभन होती थी। जी गुरुजी, ये सब नष्ट हुआ। बच्चों का भी पढ़ाई लड़ाई मन न लगना, दुनिया भर की चीजें थी, अब एकदम फर्स्ट क्लास है अभी। गुरुजी, आपकी शरण में रहेंगे तो बिल्कुल खुश रहेंगे। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। दरबार से आपको हमेशा रास्ता मिलेगा, साफ साफ और सही सही, हमेशा के लिए दरबार से जुड़े हैं बाबा माँ के। गुरुजी, कुछ अनुभव शेयर करना था आपसे। गुरुजी, जब से दरवाज़ से जुड़ा हूँ, 2022 से जुड़ा हूँ, जब से मौज ही मौज हो रही है। और गुरुजी, बाबा जी से जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, शाम तक वो काम मेरा हो जाता है। तो मैं आके जो घर में मंदिर है वहाँ के उनसे नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। फिर दूसरे दिन मेरे को चुनौती मिल जाती है, फिर मैं वो प्रणाम करता हूँ, शाम तक वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं जब से जुड़ा हूँ मौज ही मौज है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे हमेशा, मैं यहाँ आता रहूँ हमेशा बेटा, हमेशा के लिए खूब खुश। गुरु जी, घर में 2 पालतू जानवर हैं, एक की आज ही मृत्यु हो गई है। आप लोगों के बहुत कष्ट लेता है, जानवर बहुत कष्ट ले लेते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं आप लोग बहुत कष्ट ले लेते हैं, तमाम नकारात्मक चीजें भी रहती हैं, वो धड़ाम हो जाती हैं एक साथ, है ना, नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। चलो अच्छा है, उन्हें मुक्ति मिलेगी, आपके साथ रहे, माँ चामुंडा का बचा हुआ लोग उसके साथ कवच रहेगा, चिंता मत करो, खुश हो, प्रसन्न रहोगे। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, दिन में थकान बहुत महसूस होती है मुझे। आप देखिए, थकान है अभी नहीं लग रही है, वो हमेशा के लिए गई, आपकी थकान नहीं थी, वो सब स्मृतियाँ थी, सब धुल के खत्म हो गई, सब गंदगी चली गई, है ना, उसी कारण थकान होती थी। हमेशा ऐसा आलस से बना रहता था, हमेशा, है ना, आलस से होता था। देखो लिखा हुआ है, आप लोग पर्चा है ना, क्या लिखा है, पढ़ाई और कार्य से रुचि होना, उच्चाटन होना, पढ़ाई कार्य करते समय निद्रा आना, आलस्य बने रहना, ऐसी स्मृतियां थी। ऐसे दोनों भाइयों होता था, है ना, ये सब नष्ट हुए। अब आपको लग रहा है अपना खूब काम करना है, जम के खूब आगे जाना है, खूब तरक्की करना है, खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी गुरु जी, लग रहा है। तो यही सब कर पाएंगे अपने आप अच्छे से, सब गंदगी गई, सब कष्ट गए, आप खुश हो। प्रणाम गुरु जी। खुश हीरो, कैसे हो? बढ़िया।
अब पढ़ने का मन वन कर रहा है कुछ? हाँ। और मोबाइल देख, मेरी लंबाई बढ़ा दीजिए। अरे यार अभी तो बहुत लंबे होना है, तुम अपने आप ही बहुत लंबे हो गए, तुम्हारे बहुत लंबाई का सूक्ष्म शरीर दिख रहा है ना, वो लंबे होने का दिख रहा है सूक्ष्म शरीर, बहुत लंबे हो गए तुम पढ़ाई लिखाई की बात करो, तो पढ़ने का मन कर ही रहा है, तो क्या लगता है आप कितने परसेंट नंबर ला सकते हैं? आपको क्या लगता है? फुल 100% ला सकते हैं। हाँ, दरबार ने यही कॉन्फिडेंस आपको दिया है, अब आप खूब पढ़ाई कर पाओगे। मोबाइल लैपटॉप देखने का मन कर रहा है कुछ? हाँ। देखो मोबाइल दिया जाए इनको, मोबाइल देखिए, इसको देखने का मन कर रहा है? नहीं। यही सही है, ये सही बात है, अब कोई मन नहीं आपको करेगा, अब आप आवश्यकता जब पड़ेगी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ देखना होगा तो ही आप देख पाएंगे, नहीं तो आप देखने की स्मृतियां सब आपकी नष्ट है, वो समय आपको पढ़ाई में जाएगा, है ना, तभी तो आप ला पाओगे 100 में 100। हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, कैसे हो बाबा? गुरु जी। हाँ बोलो। गुरु जी, 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सर में इतना दर्द होता है। हम दिखा रहे हैं। बहुत कष्ट होता था, देखो क्या क्या होता, तो जो नष्ट हुआ। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, छाती में जकड़न, दर्द, भारीपन रहना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स खराब हो रहे थे, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन था, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, एसिडिटी होना, रीढ़ की हड्डी में पस भर रहा था, कंधों में दर्द और चुभन होना, पीसीओडी की स्मृतियां थी, नोजिया की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, यूट्रस में, सर्विक्स में, ओवरी में, रक्त में और हड्डियों में। देखो कमर और नीचे तक कैसे कष्ट आते थे, ये सब नष्ट हुए। कूल्हों में सड़न हो रही थी, कमर में दर्द होना, हिप ज्वाइंट में दर्द होना, आर्थराइटिस पेन होना, पैर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, लकवे की स्मृतियां थी, दुर्घटना व फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था और घुटने कमजोर होते जा रहे थे। जी गुरु जी। अब आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन गई, उठ बैठ के चेक करो, देखो खड़े हो ऐसे बन गई है, बच्चों की तरह। जी गुरु जी। खुश हो, कल एक महावन होगा उसको करना है आपको, उसमें दोनों बच्चे रहेंगे और आपके पति देव रहेंगे, ठीक है, और तुम आंखें बंद करो। गुरु जी, गुरु जी एक बात कहनी थी, मैं परसों घर से आई तो मैं अपने एक डॉगी और एक बिल्ली को घर पे छोड़ के आई थी, मेरे बच्चे आज ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से वो मर गए, डॉगी मर गया, क्योंकि ऐसे नहीं होता है, सब अपने अपने कर्मों, अपने अपने कर्म भोग के अनुसार ही सब होता है, इतना ये सब भाव से जुड़े होने के कारण वो नहीं होता, तो आपकी मृत्यु होती किसी की, किसके लिए तैयार हो? दोपहर से दोनों बच्चे परेशान मुझे सुना रहे कि मुझे लेके आई वो, कह तो रहे हैं ये मरने के लिए तैयार थे उनकी जगह, पूछ लो इनसे दोनों से। उसकी जगह इनमें से कोई मरने के लिए तैयार था? वो एक दिन जिंदा हो जाता है कि ना मरता, हर आदमी अपने अपने कर्म का भोग भोगता है, ठीक है, ईश्वर कृपा से आप स्वस्थ होते हो, समझ गए ना, सब अपने ही अपना देखता है, अपने अपने होता है, उन्हें क्या वो पता है आपके यहाँ रहने के कारण उनको सदगति प्राप्त होगी, ठीक है, मुक्ति होगी उनको। जी गुरु जी। हाँ खुश रहिए, प्रसन्न, खुश रहो।